प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। जैसा आपको मालूम है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो में प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं भारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, ये चार मित्र ग्रहों की युक्ति का देखें खेल क्या प्रभाव देता है कुंडली की प्रत्येक राशियों में आपके जीवन और भाग्य के साथ। जिसके लग्न में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, अपना स्वयं पहचान बनाते हैं। जिसके दूसरे भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, इनके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव रहता है, मानसिक तनाव रहता है, परिश्रम का सही लाभ नहीं ले पाते हैं, भाग दौड़ अधिक करते हैं। जिसके तीसरे भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग समाज सेवक होते हैं, धार्मिक विचार के होते हैं, बड़े छोटे का लिहाज करते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छा या स्कृति प्राप्त करते हैं। जिसके चौथे भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यवान होते हैं, राजयोग कारक होता है, राजा के समान जीते हैं, रंग से राजा होते हैं, परंतु जिद्दी क्रोधी होते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग इच्छा से अधिक विद्या प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग सरस्वती के उपासक होते हैं, अपने शिक्षा, अपनी कला, अपने गुण के द्वारा अपने नाम यश कीर्ति फैलाते हैं। जिसके छठवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ये शत्रु विहीन होते हैं, ये चरित्रवान होते हैं, कभी केस मुकदमा नहीं लड़ते, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी शत्रु पैदा नहीं करते। जिसके सातवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, ऐसे लोग किसी का नुकसान नहीं करते हैं, परंतु पारिवारिक जीवन इनका सही नहीं होता है, शादी विवाह में रुकावट आता है और स्वाभिमानी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिसके आठवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ये स्वयं कला सीखते हैं, स्वयं उसका प्रचार करते हैं, परंतु हड्डी संबंधी रोग की संभावना बनती है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, राजनेता बनते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग गल्ले के कपड़े के कार्य से ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, छोटा उद्योग करके कई उद्योग के मालिक बनते हैं। जिसके ग्यारहवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग भाग दौड़ अधिक करते हैं, ऐसे लोग को मेहनत का सही लाभ नहीं मिलता है, जीवन में इनके उतार चढ़ाव बना रहता है, मानसिक पीड़ा बनी रहती है, कभी जीवन में इच्छा अनुसार सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। जिसके बारहवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग समाज में धार्मिक कार्य करते हैं, दयालु होते हैं, सन्यासी विचार के होते हैं, अपने कमाए हुए धन का सही सदुपयोग करते हैं और गरीबों में, सामाजिक कार्य में, ईश्वर के कार्य में इनका उपयोग करते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपने कुंडली का मुझसे विवेचन कराने की इच्छा करता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। आपके सहयोग के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।